खुलासा में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल। इस अनुमंडल में आंधी तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ा पेड़ गिर जाने से जहां यहां बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, वहीं चकरदाहा के पास फोर लेन पर एक ट्रक पलट गई। वहीं एक दूसरा पिकअप वैन एक दुकान के अंदर घुस गई। आंधी काफ़ी तेज था और लोगों की ये शंका है कि कहीं ये काल वैसाखी तो नहीं थी, क्योंकि 6 से 7 मिनट के इस आंधी ने जितना नुकसान किया है वो अक्सर हाँ इस तरह का नुकसान नहीं होता है। आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं उसमें देख लीजिए, दुकानों के ऊपर पेड़ गिर गया है, कई दुकानों को इससे भारी क्षति हुई है। दुकान के मालिक भी कहते हैं कि उनका नुकसान इतना अधिक हुआ है कि तत्काल में भरपाई करना उनके लिए मुश्किल होगा। कई दुकानों के ऊपर पेड़ की टहनियाँ टूटी हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली के तार टूट गए हैं और पूरे फारबिसगंज में बिजली बाधित है। खुद वहाँ के विधायक लगातार इस कोशिश में हैं कि किसी तरह बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाए, लेकिन जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आम लोगों को जो नुकसान है उसका कहीं से भी कोई मुआवजा मिलने की संभावना भी नहीं दिख रही है। ये देखिए सामने ये चौक का दृश्य है जहां ये कितना बड़ा पेड़ था, ये पेड़ सीधे दुकान पर गिर गया। दुकान का छज्जा तो और अंदर का हिस्सा तो डैमेज हुआ ही, साथ ही दुकान के भीतर जो सामान रखे हुए थे वो भी नुकसान हुआ। इसी तरह जो दूसरे हिस्से हैं, दूसरे इलाके हैं, वहाँ भी पेड़ गिरे, बड़े बड़े पेड़ गिरे और पेड़ का से गिरने से ज़्यादातर दुकानों को नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि पूरे जो फारबिसगंज आने की सड़क है वो एक तरह से पेड़ गिरने के कारण बंद हो गई। आपको ये सामने की सड़क दिखा रहे हैं, देखिए ये सड़क बंद हो गई क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ बीच सड़क पे है आके गिर गई है। आंधी काफ़ी तेज़ था, लगभग 7-8 मिनट तक ये आंधी इस तेज़ गति से हवाएं चल रही थीं कि लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, वही बताएंगे। मतलब पूरा दुकान ही ख़त्म हो गया, जो भी माल था वो भी निकल गया, पूरा गुमटी मेरा पूरा चौपट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। कैसे हुआ ये? रात में जो आंधी आई है उसी कारण से ये हुआ, गाछ के गिरने के कारण। कितना गाछ, कै गो दुकान क्षति हुआ? लगभग मेरा बगल, मेरा तो पूरा दुकान खत्म हो गया। अच्छा, बिजली का तार भी टूटा गया? बगल वाले का भी बिजली का तार उड़ भी टूट गया क्या? हाँ, दीवार मतलब तार भी टूटा है, पोल वगैरह सारा टूट के गिर चुका है। काफ़ी नुकसान हो गया ना? काफ़ी नुकसान। क्या नाम आपका? मेरा नाम जाहिद हुसैन है। हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं, ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पिकअप वैन दुकान के अंदर घुस गई और इससे भी डैमेज हुआ है। डैमेज का आकलन करने के लिए वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी, वो लगातार प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं कि वो नुकसान का आकलन करें और लोगों को मुआवजा दिलवाए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि खुद ही जब वहाँ पर बिजली नहीं आई तो लोग किस तरह से उलझ रहे हैं लोगों से। वो जो स्क्यूटिव इंजीनियर हैं उनको भी लोगों ने कहा कि अगर बिजली नहीं आएगी तो वो कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों का गुस्सा बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण है। आप देख सकते हैं विजुअल में कि लोग जो स्क्यूटिव इंजीनियर हैं उन पर बरस पड़े हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आखिर बिजली क्यों नहीं वो दे पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आंधी और साथ साथ तूफान तेज गति से हवा थी उसकी वजह से बिजली के खंभे उखड़ गए, कई जगहों पर बिजली पर ही पेड़ गिर गए हैं, इसलिए विधायक खुद भी जो विद्यासागर केसरी हैं वो खुद भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। वो कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह जो वहाँ पर विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाए, जो लोगों का नुकसान है कम से कम उसका कुछ उनको मुआवजा मिले। अंतराल में जो है काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे विधानसभा में, ग्रामीण क्षेत्र में भी नुकसान है, लेकिन अभी पटेल चौक पर जो है बहुत क्षति देखी जा रही है। बिजली विभाग को भी आदेश दे दिए हैं, वही जितना जितना पोल है सब पोल को जो है तुरंत खड़ा कर करके
तुरंत बिजली की सप्लाई को चालू करवा दें। SDO साहब को बुलाए थे, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है और वन विभाग के DFO रेंजर सबको बुलाया गया है। आप अपने स्तर से जो है इसको तुरंत कांच को कटवा दें। जहाँ जहाँ भी रोड बाधित है सबको आप खाली करवा करके आवागमन को जो है व्यवस्थित कर दें। आंधी तूफान का सबसे अधिक नुकसान अगर हुआ है तो ग्रामीण इलाकों में हुआ है, जहां घरों के छत उड़ गए हैं तो दुकान में रखी दवा राशन भी खराब हो गए हैं। फारबिसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट।